भारत माता की जय, जय सियाराम। चुनावी माहौल है, हर पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने के चक्कर में हैं। लेकिन आज कमल हासन जो एक झूठ मूठ का जो हीरो है, जो कई पिक्चर उसने बनवाई है, और आज उसका मैंने स्टेटमेंट देखा है कि भारत देश आज़ादी के बाद में पहला आतंकवादी हिंदू था और नाथूराम गोडसे जी को उसने आतंकवादी हिंदू कहा। तो मैं कमल हासन को ये कहना चाहूंगा, तुम्हारे पूर्वज आखिर किस जाति के थे? तुम्हारे माँ बाप दादा परदादा किस जाति के थे और आज तुम किस जाति को हो और किस जाति को तुम फॉलो करते हो, ये मैं कमल हासन से पूछना चाहता हूँ। और हिंदू आतंकवादी का जो तुम नाम ले रहे हो, हिंदू कभी आतंकवाद नहीं था और ना ही रहेगा। हिंदू हिंदुत्व की रक्षा के लिए कार्य करता है, हिंदू देश की रक्षा के लिए कार्य करता है, ये कमल हासन को जानने और समझने की आवश्यकता है। अगर कमल हासन अपनी जबान पे अगर काबू नहीं लाया तो उसकी भाषा में जवाब, मैं तो छोड़ो कई ऐसे मेरे छोटे मोटे अच्छे एकदम निर्दलीय जो अच्छे डेरनेस जो काम करते वो कार्य करते काफी है। ये कमल हासन जो हिंदुत्व की आतंकवाद की जो बात करता है इसको जवाब देने के लिए, लेकिन कमल हासन पूरे हिंदू समाज से क्षमा मांगने की आवश्यकता है, नहीं तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस भारत देश से, जिस हिंदुओं की वजह से आज तुम्हारी एक नई पहचान बनी और आज तुम करोड़ों अरबों रुपए जो पिक्चर बना बना के जो कमाए हो, समय ऐसा आएगा भीख मांगने के भी तुम लायक नहीं रहोगे, इसलिए हिंदू समाज से माफी मांगने की आवश्यकता है। प्लीज सब्सक्राइब न्यू वेव्स